हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 2020 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अवार्ड्स ऑफ हरियाणा। हरियाणा के महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जिक्र करेंगे। यही वो टोटल अवार्ड है जो हरियाणा करंट अफेयर से 2020 में टोटल बने थे। यहाँ पे टोटल 29 मैंने पॉइंट लिखे हैं। इसी टॉपिक में से ऑलरेडी एस्टेट के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। आप लोगों का अगर 9-10 जनवरी को पेपर है तो यकीनन आप लोगों को इस वीडियो से मदद मिलेगी। देख के जाइएगा, शेयर कीजिएगा। पीडीएफ फाइल चाहिए अगर आप लोगों को इस वीडियो का, तो आप लोग जो है मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिना वक्त गवाए छोटा सा वीडियो आप लोगों को पढ़ा देता हूं। सीरियस होके मन लगा के याद कर लीजिएगा इन चीजों को। आप लोग टू द पॉइंट ही बातें हैं यहां पे। डिटेल तो मैं आपको हर रोज डेली की वीडियो में बताता ही हूं। सबसे पहला पॉइंट यहां पे है कि जूनियर रेसलर ऑफ द ईयर जो है 2019 का पुरस्कार। अब देखो, साल जैसे जैसे शुरू होता है ना, वैसे वैसे तो पिछले साल के भी कुछ अवार्ड पेंडिंग रहते हैं, वो मिलते हैं। तो जूनियर रेसलर्स ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड जो है वो एक पहलवान को मिला था। इनका नाम जो है वो है दीपक पूनिया। ठीक है, दीपक पूनिया को मिला। और दीपक पूनिया जो है, इनका जन्म हुआ था कब? इनका जन्म भाई मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चा, आपका 27 सितंबर को हुआ है। ठीक है, 27 सितंबर 1993 को हुआ है। ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये भिवानी के रहने वाले हैं, याद कर लेना आप। दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, या दूसरा अवार्ड है फिक्की। ठीक है, फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन 2019, ये अवार्ड किसको मिला है? फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन 2019 अवार्ड मिला है शाहबाद की हॉकी खिलाड़ी जिनका नाम है रानी रामपाल। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। ठीक है, रानी रामपाल। और रानी रामपाल के 2-3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, मैं आपको दोनों तीनों में इनकी बातें शेयर करूंगा। पहले आप याद कर लेना जूनियर रेसलर ऑफ द ईयर 2019 दीपक पूनिया को, फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन 2019 हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को। राष्ट्रीय जो पुलिस पदक है आपका, राष्ट्रीय पुलिस पदक अवार्ड 2020 है, ये अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? एक तो यमुनानगर के इंस्पेक्टर है जिनका नाम है राम कुमार, और एक है पंचकुला के सब इंस्पेक्टर है जिनका नाम है प्रमोद चंद। राष्ट्रीय पुलिस पदक 2020 अवार्ड से सम्मानित किया यमुनानगर के इंस्पेक्टर राम कुमार, पंचकुला के सब इंस्पेक्टर प्रमोद चंद को। ई गवर्नेंस में नागरिक सेवाओं के लिए, देखो ई गवर्नेंस का मतलब है सारा का सारा काम जो है पारदर्शिता से किया गया और नागरिक सेवाओं को कोई दिक्कत नहीं हुई, इस वजह से अवार्ड दिया गया हरियाणा राज्य को। और हरियाणा राज्य को कौन सा अवार्ड दिया गया? हरियाणा राज्य को गोल्ड अवार्ड से जो है वो नवाजा गया। तो ये याद कर सकते हो आप लोग कि ई गवर्नेंस के लिए हरियाणा राज्य को कौन सा अवार्ड दिया गया? गोल्ड अवार्ड दिया गया। ODF में स्वच्छता दर्पण में, ठीक है, अब देखिएगा कि खुले में सोच मुक्त के लिए जो है, और इसके लिए एक अवार्ड है जिस अवार्ड का नाम है स्वच्छता दर्पण। और ये स्वच्छता दर्पण पुरस्कार में किस जिले को स्थान मिला? ये स्वच्छता दर्पण पुरस्कार किस जिले को मिला? तो इस जिले का नाम है प्यारे बच्चों पानीपत। ठीक है, ये पानीपत जिले को मिला है ODF में स्वच्छता दर्पण, साफ सफाई के लिए, खुले में सोच मुक्त के लिए, याद रखिएगा। हरियाणा के नंबर 1 बॉक्सर, ठीक है, जिन्हें IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ना, इसने बेसिकली क्या किया है, इन्हें नवाजा है, हरियाणा के नंबर 1 बॉक्सर का टैग दिया है। इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अमित है। ठीक है, अमित याद कर लीजिएगा आप लोग। अमित जो है इनको 52 किलोग्राम भार के अंदर नवाजा गया है। IOC जो है इसका हेडक्वार्टर लुजाने के अंदर पड़ता है, ये भी याद कर सकते हो। थॉमस बाग जो है इसके प्रेसिडेंट है, वो भी बात याद कर सकते हो आप। बेस्ट विलेज ऑफ हरियाणा अवार्ड, हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ गांव का अवार्ड जो है वो किसे मिला है 2020 में? तो बेस्ट विलेज ऑफ हरियाणा अवार्ड मिला है एक गांव को, और इस गांव का नाम है प्यारे बच्चों मुंदड़ी। ठीक है, मुंदड़ी गांव को मिला। ये मुंदड़ी गांव किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये पड़ता है अभी कैथल के अंदर पड़ता है मुंदड़ी, याद करिएगा आप लोग। यहाँ पे संस्कृत यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है, और के अलावा जटहेड़ी गांव में बनाई जा रही है, कैथल के अंदर ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये भी मैंने अभी आपको कहा था फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन 2019 मिला रानी रामपाल को। प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला किसको है भाई? रानी रामपाल को ही मिला है, याद रखना आप लोग, रानी रामपाल को, जो कि कुरुक्षेत्र के शाहबाद की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे,
द फोक्स एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड, द फोक्स एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड जो है ये मिला है एक वैज्ञानिक को, और इनका नाम है डॉक्टर बलदेव कुमार। ये श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर के पद पे तैनात, और ये कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पे है, कुरुक्षेत्रा में पढ़ती है, याद रखना। और इनको मिला है द फोक्स एशिया कॉन्फ्रेंस अवार्ड मिला है भाई। 8 मार्च, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ही न्यूट्रिशंस अवार्ड दिए गए, ठीक है, यानी कि आप लोगों के जो पोषण अवार्ड दिए गए, और उस पोषण अवार्ड में जो है किस किस जिले को कौन कौन सा स्थान मिला। इस पोषण अवार्ड में सबसे पहला स्थान मिला पंचकुला डिस्ट्रिक्ट को, दूसरा मिला सिरसा को, तीसरा मिला पानीपत को। और आपका पोषण इसमें अवार्ड में कब, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ही इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड दिए गए थे, इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड 2020। और इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड 2020 में अलका गर्ग को ये अवार्ड मिला, इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड मिला। अंतर्राष्ट्रीय आपका जो ये दिवस था महिला दिवस, इसी पे ही कल्पना चावला सूर्य अवार्ड भी दिया गया। तो कल्पना चावला सूर्य अवार्ड बेसिकली मिलता किस लिए है, ये मिलता है पर्वतों की चढ़ाई या साहसिक कार्यों के लिए दिया जाता है। ये फतेहाबाद की एक लड़की है मनीषा, इसको मिला है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर ही सोशल वर्कर अवार्ड मिले, जिसमें हिसार की नीतू दुहन को मिला, कैथल की सुमन और सुशीला को मिला, जींद की पुष्पा देवी को मिला सोशल वर्कर अवार्ड। ये भी याद कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट चीज है ये। लिम्का बुक अवार्ड, लिम्का बुक अवार्ड जो है इसमें सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया टोपरा कला गांव के अंदर। ये टोपरा कला कहां पड़ता है भाई, ये पड़ता है आपका यमुना नगर के अंदर पड़ता है, और ये 30 फिट जो है इसका डायामीटर यानी कि व्यास रखा गया, इंपॉर्टेंट चीज। जीपीडीपी अवार्ड किसे मिला, जीपीडीपी का मतलब है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है बेस्ट डेवलपमेंट के रूप में किस पंचायत को अवार्ड मिला, तो ये है रोहतक डिस्ट्रिक्ट का एक गांव जिसका नाम है कहानोर। क्या, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है ये आपका, रोहतक का है, याद करिएगा आप लोग, रोहतक का कहानोर। जिंदल स्टेनलेस स्टील, ठीक है, इसको किस लिए अवार्ड मिला था, इंटरनेशनल सिक्योरिटी अवार्ड 2020 मिला है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी अवार्ड का मतलब है यहां के वर्कर की सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा इस जो कंपनी ने। अभी रिसेंटली इनको जो है 29 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया गया था हिसार की डीसी प्रियंका सोनी के द्वारा, क्योंकि इन्होंने सोलर एनर्जी के जो है प्लांट लगाए थे या बिजली बचाने की वजह से इनको 29 करोड़ रुपए का इनाम भी मिला था। नानाजी देशमुख अवार्ड ये किस लिए मिला है, नानाजी देशमुख अवार्ड दिया गया है ICAR द्वारा, ICAR द्वारा, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में है। इन्होंने दिया किसको है, CIRB को, जो कि हिसार में पड़ता है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, ठीक है। और CIRB को दिया क्यों, क्योंकि 8 क्लोन सक्सेसफुली तैयार किए, इस वजह से नानाजी देशमुख अवार्ड मिला CIRB। CIRB की स्थापना कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन है, कमेंट में लिख के बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है खेल दिवस पे, यहां से एचटेट का क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, इस दिन हरियाणा से 13 लोगों को अवार्ड मिला। राजीव गांधी खेल अवार्ड जो है हरियाणा की रानी रामपाल को मिला और विनेश फोगाट को मिला, इंपॉर्टेंट हो गया ये। अर्जुन अवार्ड मिला किस किस को, मनु भाकर जो कि शूटर है, अच्छा जी, और दीपिका ठाकुर है जो कि हॉकी से संबंधित है, मनीष कौशिक है बॉक्सर है, मनीष नरवाल है ये पैरा एथलीट से खिलाड़ी से हैं, सॉरी पैरा शूटर हैं, माफ करना, मनीष नरवाल, दीपक हुड्डा कबड्डी से हैं, संदीप चौधरी ये पैरा एथलीट हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोच को दिया जाता है, तो कृष्ण कुमार को मिला, कबड्डी कोच हैं ये, और ओम प्रकाश दहिया को मिला, ये कुश्ती के कोच हैं। ध्यानचंद अवार्ड मिला मनप्रीत को जो कि कबड्डी से हैं, और नेत्रपाल को मिला जो कि पहलवान है। और साहसिक कार्य पर्वतों की चढ़ाई वगैरह के लिए तेंजिंग नारगे अवार्ड होता है, और ये मिला है अनिता कुंडू को। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से 4-5 बार याद कर लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, ठीक है भाई। अगली बात है बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला, तो बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है जींद जिले के एक बीबीपुर गांव है, जींद जिले के बीबीपुर गांव के ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए एक उनकी डॉक्यूमेंट्री मूवी है, उनकी डॉक्यूमेंट्री मूवी को चुना गया। जींद जिले की मूवी है, बीबीपुर गांव की है, सुनील जागलान की है, याद करना, बेस्ट फिल्म अवार्ड उसको मिला। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2021,
ये मिला कौटिल्य को, जिनको गूगल बॉय के नाम से पुकारते हैं, ये करनाल के रहने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण। ये भी केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2020 ये मिला शशांक कुमार को, अनिल सर को और रीटा मैम को, ये तीनों पुलिस अधिकारी हैं। इन तीनों पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2020 से सम्मानित किया गया। हालांकि हरियाणा में केंद्र सरकार की तरह ही एचएम डिक्स पुरस्कार जो है वो भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। एचएम डिक्स यानी कि होम मिनिस्टर डिस्क अवार्ड हरियाणा के अंदर शुरू किया गया है, याद कर लेना आप लोग। ये भी मिंटी अग्रवाल, ये तो कलर के इसमें सॉरी एचटेट के पेपर में पूछ ही लिया, पहली युद्ध सेवा मेडल पाने वाली महिला, युद्ध सेवा मेडल अंबाला की है। इन्होंने अभिनंदन जो थे उनके साथ में एयर स्ट्राइक में मदद की थी इस वजह से। और इस युद्ध सेवा मेडल की शुरुआत कब हुई थी वो भी मैं आपको बता देता हूं, इसकी शुरुआत हुई थी 26 जून को, ठीक है, 26 जून 1980 को इस मेडल देने की शुरुआत हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य, देखो हमारा दूध उत्पादन में तो दूसरा नंबर है, पहला पंजाब का है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य जो है वो हरियाणा जो है, हरियाणा को ही अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट। यंगेस्ट नेवी आर्टिस्ट 2019, यंगेस्ट नेवी आर्टिस्ट 2019, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने ये अवार्ड दिया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने। ये पेंटिंग केवल 14 साल का बच्चा है, इसका नाम है आदि पीरे पीरे, पूरा नाम है आदि पीरे पीरे, ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है, यंगेस्ट नेवी आर्टिस्ट 2019 का अवार्ड। इंटरनेशनल गर्ल्स एक्सेलेंस अवार्ड, ये गोल्फर खिलाड़ी है, इनका नाम है खुशी हुड्डा, इंटरनेशनल गर्ल्स एक्सेलेंस अवार्ड मिला खुशी हुड्डा को, ये गोल्फ की खिलाड़ी है, बहुत महंगा गेम है गोल्फ। एक कोविड-19 में एक खतरों को कम करने के लिए, कोविड-19 के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हरियाणा राज्य को एक अवार्ड मिला, हरियाणा स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे ही मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखे हैं, इनको आप देख लीजिएगा, छोटा सा वीडियो है, शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को आप लोग। हरियाणा गौरव अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, नीरज चोपड़ा और मनु भाकर को मिला है, भाई इन दोनों की जोड़ी तो फेमस है ही, बहुत बार इन्होंने गोल्ड जीता है, नीरज चोपड़ा और मनु भाकर। सर्वोच्च अवार्ड डीजी कमांडेशन, ठीक है, एनसीसी के अधिकारी हैं, रोहतक के रहने वाले हैं, जिनका नाम है सतीश भारद्वाज, इनको मिला सर्वोच्च अवार्ड डीजी कमांडेशन का अवार्ड मिला, एनसीसी के नेशनल कैडेट कोर के अधिकारी हैं, याद करना। लाल डोरा मुक्त राज्यों में, अभी आपको मैंने कल भी पढ़ाया था कि सिरसी गांव करनाल का जो है पहला लाल डोरा मुक्त गांव बना। दूसरी बात, एक योजना भी पढ़ाई थी स्वामित्व योजना, वो योजना लागू करने वाला हरियाणा जो है वो भारत का पहला राज्य है। इसके तहत ही जो है मॉडर्न रिकॉर्ड रूम जो है इसके लिए जींद को अवार्ड मिला, शिक्षित हरियाणा अवार्ड फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट को मिला, अच्छा आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस या इसकी सुगमता के लिए अंबाला को अवार्ड मिला, ई समर्थ योजना के लिए या ई समर्थ अवार्ड जो है ये कुरुक्षेत्र को मिला, मिशन चहक ये अवार्ड हिसार को मिला महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और लास्ट है, अभी रिसेंटली सुशासन दिवस पे 25 दिसंबर 2020 को हरियाणा को 4 इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले। एक तो मिला यूनिवर्सल टीकाकरण के लिए, पूरे हरियाणा में टीकाकरण में नंबर, पूरे भारत में नंबर 1 आया है, याद रखना आप लोग हरियाणा। एक है आशा वर्कर्स के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, वो बड़ी ठीक से काम कर रही है, आशा ऐप, उसके लिए अवार्ड मिला हरियाणा को। एक जो है ई संजीवनी ओपीडी, घर बैठे ही डॉक्टर जो है मरीजों को देख लेता है, उसके लिए भी हरियाणा को अवार्ड मिला। एक आयुष्मान योजना को भी अच्छे तरीके से जो है हरियाणा में लागू करना, इस वजह से भी हरियाणा को अवार्ड मिला। तो सुशासन दिवस पे, गुड गवर्नेंस डे पे हरियाणा को टोटल 4 अवार्ड मिले, एक यूनिवर्सल टीकाकरण के लिए, आशा वर्कर की आशा ऐप के लिए, ई संजीवनी ओपीडी के लिए और आयुष्मान योजना के लिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपको ये लेक्चर। यही थे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट अवार्ड, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस स्लाइड का, फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, शेयर कर देना, हंसते मुस्कुराते जरूर रहना। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा होगा, मैं इसको बंद कर रहा हूं।